10-20 इसके पास है, बट मैं तो खाली कितनी अच्छी बात है गाइस, हम बिना पैसों के कैसे शिमला घुमाएंगे ये हम आपको बताएंगे इस व्लॉग में। हाँ, तो रख सकते हैं, बैग भी रख सकते हैं ना। हाँ, रख सकते हैं, रख सकते हैं, आपको फ्रीडम है। ये बता कि तेरे को जब हम 2-2.5 साल बाद मिले ना तो कैसा लगा? मेरे को बहुत 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 अच्छा लगा, इतनी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? होप करता हूँ भाई कि सभी ठीक होंगे और भाई बर्फ के मजे ले रहे होंगे। और अगर अभी मैं बताऊं तो भाई मैं हूँ पद्दर में अपने रूम में, और भाई पीछे ऊपर देखो ये है घोघरदार, जो डायना पार्क का जो एरिया पड़ता है वो वाला ये प्लेस है, और यहाँ पे पड़ गई भाई ताजा ताजा बर्फबारी। और आज हम लोग जा रहे हैं शिमला, मैं, आशु, सुनील और मनु और चंद्र, पांच लोग आज हम शिमला जा रहे हैं। अभी जो है वो सुनील आया मुझे लेने रूम के पास, तो मैं पहले तो गाड़ी में जाता हूँ, उसके बाद आगे का ब्लॉग करते हैं। और आप लोग कमेंट में बताओ कि आप लोग ब्लॉग का इंतजार कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। हेलो ब्रदर भाई, मतलब इतना टाइम लगा था भाई, और बढ़िया गाइस, अगर मैं बताऊ ना तो भाई सबसे लेट मैं हूँ, वैसे मैं पद्दर में हूँ, ये बंदे तो जोगिंदर नगर से आए, उसके बाद भाई गिडासनी ऊपर सिलासवाड़ गए। हाँ, मतलब मनु को लाने के लिए ये गए थे सिलासवाड़, मनु घर से पैदल आई, और उसके बाद देखो मेरे को देखो मैं कितना फुर्तीला बंदा हूँ, अभी 11:30 बजे अब नहाया मैं। वैसे यार नहाने का प्लान सुबह का था, बट मैं सोच रहा था नहाऊंगा नहाऊंगा नहाऊंगा, बट जब ये पत्थर पहुंच गया उसके बाद मैं नहाया, और फिर मैं तैयार हुआ, तैयार क्या बोल सकते हैं, कपड़े पहने जल्दी जल्दी, और उसके बाद अब चल पड़े हैं जी हम पत्थर से। और अभी मनु और आशु जो है वो है ऊपर बाजार में, उनको पिक करते हैं और उसके बाद निकलते हैं सीधे शिमला को। और अगर आप शिमला में हैं तो बताना। अब हो गए हम लोग जी चार, मैं, सुनील आगे बैठा है, और ये सुनील को हमने आगे बैठा है, और आगे एक और है हमारे साथ जो पहले कभी ब्लॉग में आए ही नहीं थे, बट इस बार हमने सोचा कि क्यों ना ले आते हैं, क्यों ब्लॉग में भी नहीं आए थे और वैसे वीडियो में तो बेचारे जिंदगी में तो आए हैं यार, बचपन से ऐसा नहीं है, मतलब साथ में पढ़े हैं हम लोग, प्लस टू तक हम साथ पढ़े हैं, प्लस टू तक नहीं यार, प्लस टू तक नहीं, 8th तक हम साथ पढ़े हैं, मे भी अभी पूरा याद नहीं आ रहा है, पढ़े तो हैं साथ में, इतना पता है कि साथ पढ़े हैं, बट जैसे बचपन से साथ हैं। तो नाउ वी प्रेजेंट मनु, ये है जी आशा की सिस्टर, मतलब सुनील की भी सिस्टर है आशा की, भाई बहन है, मतलब ये तीनों भाई बहन और दो हम भाई जो वो वहां से आ रहे हैं, तो हम हो जाएंगे पांच भाई बहन। तो इस तरह से हम लोग जा रहे हैं, हम पांच और तो ये है जी गाइस, मैंने क्या ऐसा बनता हूँ जिसने जी मैं 1 रुपए पिन डाला है, आप सरप्राइज है भाई साहब, आप सरप्राइज है आप, मैं ना खाली आया हूँ आज, कितना कैश चाहिए बोल, कितना कैश, देखो मैं डिपेंड हूँ आशा पे, आशा किस पे डिपेंड है, मनु और दीदी के पास कार्ड है, कार्ड है इसके पास, पर मतलब अंदर कैश है, ये नहीं बोल सकते पे है, इस बंदे के पास गूगल पे है, और इस टोप वाले के पास कैश है, और हम दोनों जो है ना आशु के साथ, आपके पास कितना है? 10-20 इसके पास है, बट मैं तो खाली मैं कितनी अच्छी बात है गाइस, हम बिना पैसों के कैसे शिमला घुमाएंगे ये हम आपको बताएंगे इस ब्लॉग में। वैसे हमने पिछले एक बार के ब्लॉग में आपको बताया था कि एक दिन में 2 धाम कैसे खाए जाते हैं, बट आज के ब्लॉग में हम आपको बताएं शिमला कैसे घूमा जाता है, शिमला कैसे घूमते हैं वो भी बिना पैसों के। बस ये अपनी HRTC, अपने हिमाचल की जान, अपने हिमाचल की शान जिसको हम बोल सकते हैं वो है HRTC। और यार उस तरफ को मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, बट मैं ट्राई करता हूँ थोड़े उस तरफ को जाने की, वहां से बस आ गई और ये मैं भागा और ये मैं यहाँ पे आ गया जी। ये देखो आप लोग, ये देखो जी आप लोग, ये है अपना मंडी। वैसे हम यार यहाँ पे ब्यूली पुल के पास रुके हैं, ब्यूली पुल तो नहीं पहुँचे, मतलब यहाँ पे जो ये स्विमिंग पुल जो है वहाँ पे रुके हैं, ये है अपना वहाँ पे बस स्टैंड। तो जी अभी मंडी, अभी यार सुंदरनगर से करना है चंद्र को पिक,
सुंदरनगर पहुंचेंगे, फिर उस चंद्र को पिक करेंगे और उसके बाद फिर चले जी हम शिमला। ये भाई साहब बाहर निकले थे, भाई साहब आपने इतना सफर तय कर लिया, आपको कैसी फीलिंग आ रही है? ये आप लोग देख सकते हो, ये है अभी की रीडिंग 18048 मंडी की। अगर मैं बताऊं मेन मंडी में अभी हम लोग, तो मेन मंडी की रीडिंग ये है और टैंक हो गया है फुल। देख सकते हो कि बंदा वहां से सामने से कंबल लेके आ रहा है ना, से यहाँ से दिख रहा है यार, अगर यहाँ से देखे तो वहां से हमारा बंदा जो है वो कंबल लेके आ रहा है। ये आ गया जी हमारा कंबल, कंबल हटो भाई, पीछे रखो, यहाँ रखो, आओ सीधे पीछे रख दो, रख दो, रख दो, रख दो, रख दो, बैग भी रख सकते हैं ना। हाँ रख सकते हैं, रख सकते हैं, आपको फ्रीडम है। देखो जी हमारे जो बंदे पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं वो कंबल कंबल साथ लेके चले हैं। अब देखो हम कैसे बैठ रहे हैं ऐसे, क्योंकि ये बंदा भी आ गया। देखो ये देखो आगे बैठी, वैसे ना ये पूरे मैंने डिक्की में आना है, वैसे हो जाएगी एडजस्ट डिक्की में, यहाँ जैसे हो जाएगी, यहाँ पे है वैसे जगह ना, यहाँ पे आ जाएगी। बस यार मतलब कम्फर्टेबल तो है, अगर हम कम्फर्टेबल सोच के चले ना तो कम्फर्टेबल। खाना खाने के बाद अब भी जो है वो चाय की चुस्कियां ले रहे हैं यार। वैसे मौसम धीरे धीरे खराब होता जा रहा है और ये बंदे भी देखो चाय पी के थोड़े शांत लग रहे हैं। और ये हमारे बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई बोलते हैं कि भाई मेरे को आना ही नहीं है ब्लॉग में, बस बात खत्म है, मेरे को वीडियो में लो ही मत, बस बोलता मैं आप लोगों के साथ हूँ ही काफी है। उससे आगे बोलता मेरे को नहीं आना। गाइस अगर यहाँ का मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना भाई, तो यहाँ पे है ट्रक वाला एरिया, ट्रक वाला एरिया जिसको बोलते हैं। देखो ऊपर से भी ट्रक, नीचे से भी ट्रक, ऊपर से भी ट्रक, नीचे से भी ट्रक। और अगर पीछे मैं बताऊँ तो जी आए हाय हाय, ये है जी रोड, देखो वहाँ से कम आपको 10 से 20 ट्रक जो है वो मिल जाएंगे। बाकी हमारी गाड़ी लगी है वहाँ पे सामने। और गाइज अभी अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो भाई शिमला में जो है ना वो बुकिंग इतनी ज्यादा चल रही है कि वहाँ पे होटल नहीं है, तो हम लोग जो है वो कर रहे हैं कि अभी यहाँ पे दोस्त के रूम पे आज रुक रहे हैं, तो उसके बाद जाके कल जाके हम जाएंगे शिमला को। और ये बंदे मतलब इतने खजल हो गए बेचारे, भाई कितने खजल हो गए, एक्स्ट्रा खजल हो गए बेचारे, और एडजस्ट करने के चक्कर में, क्योंकि यार शिमला में मैंने कॉल किया था तो बोलते कि वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ है, बोलते होटल में रूम मिलना जिसको बोलते हैं ना इम्पॉसिबल है, उस तरह का सीन है। तो हम लोग यहाँ पे अब बीच में ही रुक रहे हैं, फ्रेंड के रूम पे रुक रहे हैं और कल जाएंगे हम अपने शिमला। तो आप लोग बने रहो ब्लॉग में और कल का ब्लॉग पक्का देखना। आज ऐसा मतलब बोलना कि भाई ने ठकाया कि हाँ बोला था शिमला दिखाएंगे, बट शिमला दिखा, कल आपको पक्का शिमला दिखाएंगे यार, ऐसी बात नहीं, झूठ नहीं बोलता है। गाइस अगर अब भी का मैं बताऊ ना, तो अब ये है हम रंजू के घर पे। वैसे यार पहले मतलब हम ट्राई कर रहे थे कि इसको वीडियो में ले, बट अब बता कि ये मान नहीं रही थी, अब बड़ी मुश्किल से इसको बनाया है। तो रंजू पहले यार ये बता कि तेरे को जब हम 2-2.5 साल बाद मिले ना तो कैसा लगा? मेरे को बहुत 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 अच्छा लगा, इतनी नहीं, नहीं। खुशी मुझे आज तक अच्छा, और आप हम आपके घर आए हैं, आपको खुशी हुई या नहीं? बहुत ज्यादा खुशी हुई, मस्तियां काफी चल रही है। तो अभी अगर टाइम बताऊं तो 10 बज रहे हैं, तो भाई हाँ 11 बज रहे हैं, 10 नहीं 11 बज रहे हैं, और अभी 11:30 होने वाले हैं। हाँ हाँ तो ये है गाइस बात अभी का करते यार सोने का, और सुबह जल्दी उठना है, उसके बाद 11 बजे हमें शिमला भी पहुंचना है।
तो आप लोगों को कल शिमला के दर्शन करवाएंगे और आज का ब्लॉग दर्शन होते सैर होते नहीं नहीं हम दर्शन करवाते भाई हम दर्शन करवाते हैं लोग सैर करवाते हैं। तो भाई आज का ब्लॉग बताना कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा यार शिमला तो आप लोगों को दिखा नहीं पाए। वैसे मैंने सुबह बोला था कि शिमला दिखाएंगे बट यार ड्यू टू मॉनसून तो हम आपको शिमला नहीं दिखा पाएंगे पर कल हम जरूर आपको शिमला दिखाएंगे। तब तक आप लोग करो ब्लॉग को लाइक कर दो शेयर कर दो और एक प्यारा सा कर दो कमेंट और करो कल के हाँ और साथ में सब्सक्राइब। अच्छा रंजू रंजू बोलना यार तू भी बोल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोल दे बोलना यार बोलना यार शेयर को शेयर करें कमेंट करें और अच्छे अच्छे और चैनल को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ गाइज अब तो देखो रंजू भी बोल रही है कि हाँ भाई कर दो पहले मैं गूंगी थी पहले गूंगी थी पहले इससे बोला नहीं जा रहा था कुछ बट बड़ी मुश्किल से इसको बड़ी मुश्किल से जुबान आई है। हाँ जुबान में आवाज आई है जुबान में आवाज आ रही है। तो जी कर रहे हैं हम यहीं पे ब्लॉग एंड और मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।